तो ये लाइफ का मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके अंदर मैं एक सुरंग के अंदर घुसूंगा। चलिए मेरे साथ आ। इस परिसर के अंदर भी काफी सारी सुरंग है। एक यहाँ पर है ये वाली सुरंग, एक सुरंग इसके अंदर ये बनी हुई है, देखिए। बहुत मुश्किल काम है। पहली बार आज हम इन सारे सुरंगों को एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं एक ऐसे रहस्य की खोज में दिल्ली से राजस्थान के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में आ पहुंचा हूं जहां पर हम लोगों को एक ऐसी चमत्कारी और रहस्यमयी ऐसी सुरंग दिखाई देगी जो बताई जाती है कि कनेक्ट होने के बाद में राजस्थान के माचाड़ी नामक स्थान से होकर जाती है और जिसका अंतिम पॉइंट बनता है दिल्ली में किसी स्थान पर। दोस्तों आज पहली बार हम अपनी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को उस गुफा के अंदर जाकर भी दिखाएंगे और आपको दिखाने वाले हैं कि गुफा का क्या रहस्य है और गुफा कितनी ज़्यादा छोटी बनाई गई है। उस गुफा के अंदर जाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस मंदिर के इस प्रांगण से आगे की तरफ जाना पड़ेगा। आइए आप मेरे साथ भी। ये पूरे का पूरा जो एरिया बना हुआ है ये काफी ज्यादा प्राचीन कालीन बताया जाता है। सबसे ज्यादा रहस्य की जो बात बनी हुई है वो है दोस्तों मात्र और मात्र यहाँ पर बनी हुई ये छोटी सी गुफा। देखने में इसका तकरीबन जो साइज है वो 1.5x1 के आसपास दिखता है और शायद मेरा साइज़ देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि हम इसमें घुस पाएंगे, लेकिन आज मैं पहली बार आपको इसके अंदर घुस के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि अंदर ये चीज़ कैसी दिखाई देती है। जाने का तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर मुँह के बल आगे जाना पड़ेगा, कोशिश करते जाने की एक बार। दोस्तों ये लाइफ का मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके अंदर मैं एक सुरंग के अंदर घुसूंगा और घुसने के बाद में आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने सारे सुरंगें बनी हुई है। ये सबसे पहले सुरंग है और इस सुरंग के माध्यम से ही जो हटी गोपाल महाराज जी थे वो अंदर आते थे और साधना किया करते थे। ये बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं। ये देखिए कितनी छोटी सी सुरंग है, सीधा खड़ा नहीं हो सकता मैं यहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मली मुझे नीचे जाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ देखिए, ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई यहाँ पे। नीचे चलते हैं और देखेंगे कि नीचे हमें किस तरीके की फुटेज मिलती है आज यहाँ पे। चलिए चलिए मेरे साथ। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई जा रही है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हमारी आप लोगों से। ये मेरा टीम पार्टनर आ रहा है यहाँ पे अंदर ही। तुम यहाँ पे आ जाओ, इधर हो जाओ इधर। हाँ हाथ अपने पीछे करो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड गुड एफर्ट्स, शाबाश, आराम से आराम से, वेरी गुड। ऊपर की साइड थोड़ा देखिए भाई, थोड़ा नीचे नीचे आना पड़ेगा आपको। नीचे रहो, झुको, ऊपर मत आओ। आओ शाबाश। तो काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में मैं और मेरा टीम पार्टनर अंदर आ चुके हैं और आपने देखा कि कितना ज़्यादा छोटा रास्ता है इसका अंदर आने का, किस तरीके से हम लोग अंदर आए हैं यहाँ पर। अभी नीचे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर ये चीज़ किस मान्यता के साथ में या किस प्राचीन इतिहास के साथ में जुड़ी हुई है। आइए मेरे साथ आप अंदर। और ये अंदर आने के बाद में हमें एक ऐसा परिसर दिखाई दे रहा है। इस परिसर के अंदर भी काफ़ी सारी सुरंग है। एक यहाँ पर है ये वाली सुरंग और एक बड़ी सुरंग यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, इस तरफ है। पहली बार आज हम इन सारे सुरंगों को एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के लिए। दोस्तों ये बात काफ़ी प्राचीन समय पहले की है जब यहाँ पर एक संत जिनका नाम श्री हटी गोपाल जी महाराज बताया जाता है। ऐसा बताते हैं कि उस प्राचीन काल के अंदर वो महाराज जी यहाँ पर जब साधना या फिर ध्यान एकत्रित किया करते थे
तो इसी सुरंग के माध्यम से नीचे आया करते थे और आने के बाद में इस स्थान पर बैठकर वो ध्यान मगन किया करते थे। और आज तक के इतिहास में इस जगह को हम लोगों ने सिर्फ सुना था लेकिन देखा पहली बार है। इसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिवलिंग लगाया गया है जो लोगों की आस्था के साथ में जुड़ा है और अंदर की तरफ भी हम लोगों को छोटा सा यहाँ पर एक मेहराब दिखाई दे रहा है और एक मेहराब इस तरफ भी दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, इस गुफा का जो मुहाना ये भी काफ़ी छोटा बना हुआ है। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर कि हमें क्या और चीज़ दिखाई देती है यहाँ पे। आइए मेरे साथ आप। ओवरऑल मिलाकर ये बहुत ज़्यादा छोटा है, पता नहीं मेरे शोल्डर निकलेंगे। ट्राई करते एक बार, मैं तो यार अटक गया। बड़ी मुश्किलों के बाद में घुस जा रहा हूँ मैं तो, मुझे तिरछाव के अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा छोटा ही है और अंदर आना मेरे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और बताते हैं कि ये जो कड़ी है ये कोई सामान्य कड़ी नहीं है दोस्तों, बहुत पवित्र है। ऐसा बताते हैं कि कुछ समय पहले तक भी इस कड़ी के अंदर से एक एक बूंद कर घी टपका करता था और वो इतना ज़्यादा चमत्कारी था अपने आप में। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब ये बात आसपास के चोरों चुकों को पता लगती है तो इस आस्था को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको देखा कि चमत्कारी है या नहीं है। तो उन लोगों ने यहाँ पे कोई बड़ा बकेट या कोई बर्तन वगैरह रख दिया, उसके बाद में कुछ समय तक घी टपका, लेकिन जब उनका मोटिवेशन चोरी के पर्पज से था तो ये पवित्रता यहाँ से खत्म हो गई। अगर आज भी मैं इसके अंदर हाथ लगाता हूँ तो ये भी गीला है थोड़ा बहुत ही। और ये पूरे का पूरा इसके अंदर का एक हिस्सा देख सकते हैं आप लोग, पूरे का पूरा छोटा कक्ष बना रखा है। यहाँ पर भी कुछ है, इस कड़े के अंदर से भी बताते हैं कि वो घी टपका करता था। इतना ज्यादा चमत्कारी और रहस्यमयी सुरंग का रास्ता हमने जिंदगी में आज से पहले नहीं देखा था। दूसरी सुरंग है, वहां जाएंगे, देखेंगे वो कहां तक जाती है। निकलते हैं बाहर एक बार, दोबारा जद्दोजहद करना पड़ेगा। देखो मेरे को तिरछा होकर निकलना पड़ेगा यहाँ पे, तो बड़ा मुश्किल है यार। बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहली डिफिकल्टी सुरंग में घुसना, उससे ज्यादा डिफिकल्टी सुरंग से बाहर आना। लेकिन अभी एक सुरंग और है, उसको भी आज देखेंगे और ये तहकीकात तब तक चलेगी जब तक इन सुरंगों को आज हम देख नहीं लेते हैं। आइए, ये हमारे भाई हैं सोमराज जांगिड़ और यही हमें इसके अंदर लेकर आए हैं। एक तीसरी सुरंग है इसके अंदर जो यहाँ से निकलती है, तो भाई यहाँ पे भी चलें एक बार जी। चलो आइए एक बार इस सुरंग के अंदर भी चलते हैं। चलिए भाई, अंदर चलते हैं। ये ज़्यादा चौड़ी, थोड़ी सी चौड़ी है, लगभग 2 फीट की है, 2.5 फीट के आसपास ये है। तो यहाँ पे आराम से मैं अंदर जा सकता हूँ भाई, दिक्कत नहीं आने में। ओ भाई साहब, लेकिन काफ़ी छोटी है, मैं खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे। दोस्तों एक सुरंग इसके अंदर ये बनी हुई है, देखिए सुरंग ही सुरंग है यहाँ पे। तो थोड़ी अंदर लाइट मारना हल्की सी कोशिश करके, देखिए भाई आप, ये काफ़ी सारी सुरंगें यहाँ पे। और मैं देख लेता, देखना क्या है ये, कितनी गहरी काफी भी बंद है ये। अच्छा आ जाओ, तीन सुरंग में पार कर चुका हूँ, ये चौथे नंबर की सुरंग है। इसके अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से और कितना रास्ता बना हुआ है। ये भी काफी छोटी सी बनी है भाई, मुझे लग रहा है मेरे आज गर्दन में मोच आने वाली है क्योंकि मैं सीधा नहीं आ पा रहा इसको देख रहा हूँ, तिरछाना पड़ रहा है। ये सामने आप लोग देख पा रहे हैं कि अंदर की तरफ से भी और सुरंग बनी हुई है, लेकिन ये जो सुरंग का रास्ता है यहाँ पर रास्ता दिखाई दे रहा है लेकिन हल्का सा बंद किया हुआ है। और ये अपने आप पे इतनी ज़्यादा चमत्कारी है जिसको आज हम अपनी आंखों के सामने ही देख पा रहे हैं। दोस्तों मैं अभी सुरंग से बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ पर टोटल मिलाकर हम लोगों ने 5 सुरंग के रास्ते देखे और जो लास्ट सुरंग थी उसके अंदर से भी सुरंग बनी हुई थी।
सबसे बड़ी चमत्कार की बात जो ये है वो ये बताई जाती है कि यहीं से इन सुरंगों के माध्यम से हम लोग राजस्थान के माचेड़ी से पहले राजगढ़ जा सकते हैं और उसके बाद वहाँ से बनती है दिल्ली तक की सुरंग। और इस चीज़ का पहली बार हम लोगों ने आपके सामने सबूत पेश किया कि सुरंग हकीकत में किस तरीके की बनती है। यहाँ पे क्या है, अट्टी गोपाल जी महाराज नाम के गुरु रहते थे, संत रहते थे, जिन्होंने क्या है यहाँ पे पहले कारीगर काम करते थे, रतावजा गोत के जो जांगिड़ समाज के होते थे पहले कारीगर काम करते थे, तो वो क्या करते थे यहाँ से मावस को चौदस को पूर्णिमा को दिल्ली जाया करते थे बाबा के दरबार में। तो महाराज जी ने ऐसे बोला भाई तुम्हारे भैरव बाबा को यहीं पे ला दूँ क्या, तो उन्हें बाबा ऐसी मजाक थोड़ी हो, तो ये तो प्रसाद चढ़ाने के लिए दिल्ली गए। अब बाबा सुरंग के रास्ते जो ये सुरंग है अपन जो आप देख के आए हो उसके रास्ते से एक रात के अंदर इनको यहाँ पे लिया है, जो आज भी इनका जो मंड है जो ऐसे की ऐसे है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली वाले भैरव बाबा कहलाते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा और ये देखिएगा कि हकीकत में सुरंगों का अस्तित्व आज भी बचा हुआ है। ये बात सिर्फ बोलने की नहीं थी, हम लोगों ने आज कर दिखाया। दोस्तों नई जगह नया रहस्यमय स्थान आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी लेकर आएंगे।